हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोइस्चर्स लेक्चर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले एपी, आज हम लोग एपी डिस्कस करेंगे। मैंने एपी का फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने एपी के जितने भी बेसिक्स हैं कि एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और जो है सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और एपी की जो है सीक्वेंस को पहचानते कैसे, सब कुछ मैं पार्ट वन में आपको बता चुका हूँ। आज हम एपी से डिस्कस करेंगे nth टर्म या फिर जनरल टर्म, कुछ भी बोल सकते हैं आप, nth टर्म ऑफ एन एपी या जनरल टर्म ऑफ एन एपी या लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, कुछ भी बोल सकते हैं। आज हम nth टर्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले nth टर्म, लास्ट टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है nth टर्म, लास्ट टर्म या जनरल टर्म ऑफ एन एपी, कुछ भी बोल सकते हैं आप, एक ही बात है, ठीक। देखिए ऐसा क्यों कहा है या कैसे है, सबसे पहले हम एपी लेट कर लेते हैं, फिर आपको समझाता हूं। आपको पता है एपी की फॉर्म क्या होती है, उसी की तरीके से मान लेते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, सही है। मान लिया किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, जो कि हमेशा मानते हैं और होता भी है। तो आप सभी जानते हैं देन एपी, एपी की जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, ठीक है फ्रेंड्स। ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन अप टू nth टर्म, लास्ट टर्म तक चलती रहेगी, ठीक है। तो हमने एपी की जो फॉर्म थी वो बना ली। अब मुझे यहां पर क्या निकालना है, मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो मुझे लास्ट टर्म अगर निकालना है इसका nth टर्म। अब आप कहेंगे लास्ट टर्म और nth टर्म कैसे, मतलब सेम। देखिए मान लेते हैं कि इस एपी के अंदर n नंबर ऑफ टर्म्स है, n। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपसे कि भाई इस एपी में 10 टर्म्स है, तो उसका लास्ट टर्म जो होगा वो कौन सा होगा, 10th टर्म होगा लास्ट। अगर 10 ही टर्म्स है तो लास्ट वाला 10th टर्म होगा। ऐसे ही अगर इस एपी के अंदर n टर्म्स है तो इसका लास्ट टर्म कौन सा होगा, nth टर्म, सही है, nth टर्म, ठीक। अब वो हमें फाइंड करना है, तो उसका एक जनरल जो फॉर्मूला बनता है, जो एक फॉर्मूला, वो उसी को आज मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है और क्या होता है। इसीलिए मैंने बोला जनरल टर्म, जनरल टर्म भी बोला है क्योंकि वो फॉर्मूला सारी एपी में आप लास्ट टर्म निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो जनरल टर्म कहलाएगा, क्लियर। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले आप ये भी जानते हैं कि जो एपी होती है वो एपी में आप टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, पता ही होगा जो एपी होती है, एपी की फॉर्म ये भी होती है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स एंड सो ऑन। अब ये ए वन ए टू क्या है, ये टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, क्लियर। चलिए ये भी तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म है, बस उनको ओपन कर दिया है, ठीक। तो आप एक बात बताइए कि मैं ए वन को क्या लिख सकता हूँ, मैं ए वन को, ए वन है कितना यहाँ पर, ए है, तो भाई ए वन को बस ए ही लिख सकते हैं। ए वन कितना है यहाँ से, ए वन ए है, तो मैंने ए वन को ए लिख दिया, अच्छा। लेकिन अगर एक बात बताइए, अगर मैं इसे यहाँ पे लिख दूं ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी, तो क्या मैंने कोई गलती कर दी, नहीं, क्यों, क्योंकि वन माइनस वन कितना होगा, जीरो, जीरो इंटू डी जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे जीरो, और जीरो को जब प्लस करोगे ए में तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा लौट के, सही है। इसका मतलब ए वन को ए तो लिख ही सकते हैं क्योंकि ये रहा, लेकिन प्लस वन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने एक अरेंजमेंट किया है, कोई गलती नहीं की है, ठीक है। अच्छा ए टू को क्या लिखेंगे, ऊपर से क्या है ए टू, ए प्लस डी, सही है। अच्छा एक बात बताइए, मैं ए प्लस डी को क्या टू माइनस वन इंटू डी लिख दूं, अब आप कहेंगे कैसे, यहाँ पे डी है कितने, वन, ए की तो डी है। अच्छा एक बात, वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू माइनस वन भी तो लिख सकता हूँ, टू माइनस वन
वन बचा, वन इंटू डी डी, तो क्या मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो गलती की नहीं। उसके बाद ए थ्री, ए थ्री को क्या लिखेंगे यहां से देखिए, ए थ्री क्या है, ए प्लस टू डी, सही है, और टू को क्या लिख सकते हैं, थ्री माइनस वन इंटू डी, सही है, टू को लिख दिया थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन भी तो टू ही आएगा नॉट के, कोई दिक्कत नहीं। एक और टर्म देखेंगे, ए फोर को क्या लिखेंगे, ए प्लस थ्री डी, यही तो है, ए प्लस, और थ्री को क्या लिख सकते हैं, फोर माइनस वन इंटू डी, सही है, थ्री को क्या लिखा, फोर माइनस वन इंटू डी, कोई परेशानी। ऐसे ही एंड सो ऑन चलता रहेगा यहां पर। और देखिए यहां पर वन था तो वन माइनस वन डी था, टू था तो टू माइनस वन इंटू डी है, थ्री है तो थ्री माइनस वन इंटू डी है, और फोर है तो फोर माइनस वन इंटू डी है। इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहां पर हर जगह ए आ रहा है, ए ए ए ए, ए तो आता रहेगा, लेकिन जो टर्म चलेगा, टू था तो टू माइनस वन, थ्री था तो थ्री माइनस वन, फोर था तो फोर माइनस वन। ऐसे ही अगर मैं एंथ टर्म लिखूंगा ए एन, तो मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सही है। अगर मुझे एंथ टर्म लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, एंथ टर्म मतलब ए प्लस, ए तो सब में आ रहा है, प्लस अगर यहाँ फोर था तो फोर माइनस वन, तो अगर एंथ टर्म निकालना हूं तो एन माइनस वन इंटू डी, डी चल रहा है, क्लियर हो गया। तो ये था भाई लास्ट टर्म का फॉर्मूला, या एंथ टर्म का, या जनरल टर्म, आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एपी का लास्ट टर्म होता है, ये वाला यहाँ पे एन लास्ट टर्म होता है, ठीक है, इसीलिए इसे लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसे हम एंथ टर्म भी बोलते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो एन है, और इसे हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो था जनरल टर्म, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई ऐसे इसको ड्राइव किया जा सकता है, इसका फॉर्मूला होता है an is equal to a plus n minus 1 into d। अब इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद मैं nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी निकलवाऊंगा कि पीछे से कैसे निकालते हैं, ये तो हमने आगे से निकाला एपी में, यहाँ से स्टार्टिंग की 1 2 3 4, अब पीछे से भी सीखेंगे, पहले इसके ऊपर हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। देखिए मैं इसे तो रब कर देता हूँ, मान लीजिए हम कोई यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये लिखा रहे दिया है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कि मान लीजिए आपके पास एक एपी है, सपोज एक एपी है 2, 7, 12, and so on, ठीक है, ये आपके पास एक एपी दी हुई है। अब आपसे मान लीजिए इसमें बोल दिया जाए फाइंड इट्स 20th टर्म, यानी कि आपको क्या निकालना है A20। अब आप कहेंगे कैसे, ये कैसे लिखा A20, nth टर्म को भी मैंने क्या लिखा था an लिखा था, nth टर्म को आपने देखा होगा रब कर दिया, nth टर्म को an लिखा था, तो जब nth टर्म को an लिखूंगा तो 20th टर्म को कैसे लिखूंगा A20, सही है, ये हमें फाइंड करना है इस एपी में। तो देखिए आप सबसे पहले जितनी भी चीजें गिवन होंगी उनको लिख लेंगे, कैसे, यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है आपको, टू, फर्स्ट टर्म यही है, ए का मतलब क्या बताया था, फर्स्ट टर्म जो क्या है टू, अच्छा डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं 7 - 2 यानी कि 5, डी कैसे निकालते हैं A2 - A1, मैंने अपने पहले पार्ट जो अपलोड किया है उसमें यही सारी चीजें बताई हैं, ए डी वगैरह कैसे निकालते हैं, डी A2 - A1 7 - 2 5, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए इसमें एन कितना है, एन ट्वेंटी में कंपेयर करो, जब यहाँ n था और यहाँ कितना है 20, जब यह nth टर्म था यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे n, तो यहाँ 20th टर्म निकालना है तो n कितना होगा 20, जितने जो टर्म निकालना होता है वही उसकी जगह n की जगह वही लेते हैं, ठीक है 20। चलिए तो फॉर्मूला लगा दें, क्या फॉर्मूला बताया अभी, an इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो बताया फॉर्मूला, लेकिन हमें कौन सा टर्म निकालना है 20, तो n की जगह क्या रिप्लेस कर दिया 20, ए कितना है ऊपर 2, एन की जगह 20 - 1 और डी की जगह है 5, सही है, एन की जगह ये भी 20 आएगा, ये वाला एन और ये वाला एन हमेशा सेम होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये वाला ये जो सबस्क्रिप्ट में लगा है वो, और यहाँ एन माइनस, ठीक है, 2 प्लस 20 - 1 कितना बचा 19 × 5, तो 2 प्लस 19 × 5 कितना होता है 95, 95 और 2 कितने हो गए 97,
तो आप अगर इस एपी को ऐसे ही आगे आगे बढ़ाते चले जाएंगे 5-5 के डिफरेंस में, तो आप देखेंगे इसका जो 20th टर्म होगा वो 97 आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके ऊपर एक एग्जांपल था। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो एपी के हमने यहाँ से आगे से इसे ड्राइव किया था फॉर्मूले को, कि स्टार्टिंग से nth टर्म का फॉर्मूला होता है a+n-1 × d, लेकिन अगर हम पीछे से इसी को निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए मैं अभी बता देता हूं आपको, इसे बस रब करेंगे और कुछ नहीं करना। ठीक, आपने पहले वाला डेरिवेशन वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा अगर आपको करना है तो, जो इससे पहले भी बताया था। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या करना है, हम कि एपी का वही फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, इसमें हमने पीछे से निकालना है। ठीक है, एंड से, तो इसमें लास्ट टर्म को हम कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए लास्ट टर्म बी एल, मैंने लास्ट टर्म को या एंथ टर्म को एल से डिनोट कर दिया। देखिए कोई परेशानी नहीं है, आप एल से डिनोट कर सकते हैं, आप ए एन से भी डिनोट कर सकते हैं, आप चाहे तो या ए एन भी ले सकते हैं, लास्ट टर्म जो अभी चल रहा था एंथ टर्म वो भी ले सकते हैं। ठीक है, बार बार ए एन लिखने से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, सबस्क्रिप्ट में एन लिखा है उधर भी एन लिखा है, इसीलिए उससे बचने के लिए मैंने एन ले लिया और कोई बात नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि एपी का लास्ट टर्म एल है। ठीक है, अब एपी क्या बनेगी इस तरीके से, देखो ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। अच्छा, लास्ट टर्म एल है तो पीछे क्या लिखा जाएगा, एल। सही है, पीछे क्या लिखा जाएगा, एल, ये एल है। सही है, अब आपको एक चीज दिखाते हैं, देखो ये 2d है, इससे पहले वाले टर्म में कितने d हैं, 1d, इससे भी पहले वाले टर्म में d है ही नहीं, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है। अच्छा, अगर इसके आगे मैं एक टर्म और लिखूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा, a प्लस 3d लिखूंगा, यानी कि उसके आगे वाले टर्म में 2d। तो इससे ये कंक्लूजन निकला, जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे डी कम होता चला जाता है, 2d से 1d, एक डी कम हो गया फिर बिल्कुल ही गायब हो गया, यानी कि जब हम लेफ्ट की तरफ ऐसे चलते हैं तो एक डी कम होता है। तो अब एक बात बताओ, जब लास्ट टर्म एल है तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, एल माइनस डी। क्यों, मैंने क्या कहा, एक डी कम हो जाता है, कम हो जाता है मतलब इसमें से एक डी माइनस हो जाएगा, एल माइनस डी। ठीक है, अच्छा अगर मुझे इससे भी पहला टर्म और निकालना है तो क्या हो जाएगा, एल माइनस 2d। अभी l माइनस 2d कैसे हो गया, देखो यही तो है टर्म, ये इसमें से एक d और कम हो जाएगा, माइनस करो एक और d, तो l माइनस 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 प्लस के 2d, वो माइनस का 2d हो गया, तो क्या हो गया, l माइनस 2d। सही है, और आप जानते हैं ऐसे ही अगर मुझे इसके एक और टर्म पहले वाला लिखना है तो अब क्या लिखूंगा, l माइनस 3d। सही है, चलो लिख नहीं रहे, बता दिया। अब देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं कि फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, पीछे से निकलवाएगा, या फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, पीछे से निकालो 10वां टर्म, 10th टर्म पीछे से निकालो, तो पीछे से निकालने के लिए भी तो कोई फॉर्मूला होता होगा। यस, होता है, उसी को ड्राइव करेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म From the end of the AP, from the end, पीछे से पहला टर्म कौन है, पीछे से पहला टर्म L। सही है फ्रेंड्स, पीछे से देखो, अब आगे से नहीं देखनी है AP, पीछे से पहला टर्म तो यही माना जाएगा, यहीं से तो गिनोगे 1, 2, 3। सही है, अच्छा एक बात बताओ, मैं L को क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसे L माइनस 1-1 × d लिख दूँ तो क्या मैंने कोई गलती कर दी, नहीं, क्यों गलती नहीं करी, 1-1 0, 0 × d 0, और अगर l में से मैंने 0 को माइनस किया तो लौट के तो l ही आएगा, तो कोई गलती तो नहीं है, l को मैंने सिर्फ ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखो सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, सेकेंड टर्म क्या है एंड से, l माइनस डी। सही है, यही तो है सेकेंड टर्म, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, l माइनस 2-1 × d, देख लो आराम से चेक कर लो, 2-1 1 1 × d d, यानी कि l माइनस d, यही तो लिखा मैंने, l माइनस d को ऐसे लिख दिया। ठीक
ठीक है। चलिए अब थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, वही है फ्रॉम द एंड से ही देख रहे हैं, क्या है थर्ड टर्म एल माइनस टू डी, इसे मैं क्या लिख सकता हूं एल माइनस थ्री माइनस वन इंटू डी, सही लिखा है, टू को थ्री माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। ऐसे ही एंड सो ऑन, अगर हम लिखें nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या बनेगा, अब आपके दिमाग में आ गया होगा एकदम l माइनस l माइनस l माइनस, इसका मतलब l माइनस तो चलेगा, फिर देखो फर्स्ट टर्म था तो 1 माइनस 1, सेकंड टर्म था तो 2 माइनस 1, थर्ड टर्म था तो 3 माइनस 1, तो nth टर्म होगा तो n माइनस 1 इनटू, सही है फॉर्मूला बन गया nth टर्म फ्रॉम द एंड। अगर पीछे से nth टर्म निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा l माइनस n माइनस 1 इनटू d। अब अगर कुछ बच्चों को आ जाता है कि नहीं हम l नहीं लिखेंगे, हम तो लास्ट टर्म को an लिखते हैं, तो कोई बात नहीं आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं an माइनस n माइनस 1 इनटू d, सही है आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं an माइनस n माइनस 1 इनटू d, l की जगह मैंने an रख दिया लास्ट टर्म nth टर्म, क्लियर। तो ये फॉर्मूला था पीछे से अगर हम nth टर्म निकालेंगे तब लगाने के लिए। अब इसके ऊपर भी अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो देखिए यहां तक आप इसे नोट कर लीजिएगा और आपको ये डेरिवेशन नोट करना है, ठीक। अब इसमें समझ आ गया पीछे से nth टर्म कैसे निकालते हैं, चलो इसे तो मैं रख कर देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं। अब जैसे यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, कि मान लीजिए आपको एक एपी दी हुई है 4, 9, 14 एंड सो ऑन अप टू 252, सही है, ये एक एपी दी हुई है आपको, आपसे कह रहा है फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, यानी कि पीछे से 10th टर्म बताइए पीछे से। तो सबसे पहले जैसा कि फॉर्मूले के हिसाब से हमें किसकी जरूरत है, एल, L मतलब लास्ट टर्म, L क्या है हमारा इसमें 254, जिसे हम an भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए आप, an भी लिख सकते हैं इसे या L भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म। फॉर्मूले में क्या था L माइनस n माइनस 1, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, कौन सा टर्म निकालना है 10th टर्म, तो n कितना हो जाएगा 10, n माइनस 1 इनटू d, d कितना होगा, d देखें 9 माइनस 4 कितना 5, सही है, d तो ऐसे ही निकलेगा a2 माइनस a1 तो कितना आएगा 5, सही है। चलो देयरफोर 10th टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से अगर 10th टर्म निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा l माइनस 10 माइनस 1 इनटू d, क्यों वहां पे था l माइनस n माइनस 1 इनटू d, nth टर्म था तो n माइनस 1, तो 10th टर्म होगा तो 10 माइनस 1। चलिए अब L कितना दिया है 254 माइनस 10 माइनस 1 9 और D कितना है 5, यानी कि 254 माइनस का 45 तो कितना बचा 209, 254 में से 45 गया तो 209, तो ये था। अब इसके पीछे AP के पीछे से 10th टर्म अगर आप निकाल के देखेंगे तो आपको ये 209 ही मिलेगा, सही है। मतलब निकाल के कैसे देखेंगे, 5-5 कम करते चले जाइए, 5-5 का डिफरेंस है, 5-5 इसमें से कम करते चले जाइए तो देखेंगे 10वां टर्म 10th टर्म पीछे से 209 आ रहा होगा, क्लियर। तो ये पीछे से निकालने का तरीका है। तो आज हमने nth टर्म, देखिए एक चीज और फ्रेंड्स, इसको कभी भी गलती से आप a10 से डिनोट मत कर दीजिएगा, a10 का मतलब होगा 10th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, बिगिनिंग से होता है a10, इसीलिए मैंने यहां पे इसे a10 नहीं लिखा, मैंने लिखा 10th टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से लिख रहे हो तो पूरा लिखना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते इसे, ये स्टार्टिंग से होता है ये एंड से होता है तो पूरा लिखते हैं, ठीक है। चलो तो आज हमने nth टर्म निकालना सीखा स्टार्टिंग से, और nth टर्म अगर पीछे से निकालना हो तो कैसे, दोनों का फार्मूला मैंने आपको ड्राइव करवाया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि आप सारी वीडियोस देख सकें। पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, पार्ट 2 ही हो गया, और मैं बहुत जल्द इसके जो सम का फार्मूला है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, सम ऑफ द एपी, ठीक है, थैंक यू।